विगत 7 वर्ष भितरे परीक्षा प्रश्नपत्र लीक होइना ही एही कथा आमे कहू नहूं ए होची केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करो केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा रे कहिसंती कि कोनोसी पेपर लीक रो प्रमाण नहीं तांकर एपरी बयान परे संसद रे विपक्ष दल बहु पाटी तुंड करथिले आउ तांकर एही कथा कु खंडन करथिले तेबे विगत दिन रे देखिबा कु मिलिची मासो मासो धरी परीक्षा पई प्रस्तुत होतबा छात्र छात्री जेते बेले निराश होई रास्ता कोलांती आउ मीडिया कैमरा सामना रे कहंती कि आमे एते वर्ष धरी परिश्रम करथिलु एबे पेपर लीक होई गला कोन एमाने मिछ कहउचंती अपर पक्ष रे नीट यूजी पेपर लीक मामला सुप्रीम कोर्ट रे विचाराधीन रहिछि एहा भितरे शिक्षा मंत्री को एही बयान कु नै अनेक प्रश्न उठुछि थरे नजर पकांतु 22 जुलाई रे संसद अधिवेशन रे कोन कहिथिले शिक्षा मंत्री फुल मेंबर हैज रेज ए क्वेश्चन रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर लीक इन लास्ट 7 इयर्स 70 टाइम्स सर विथ फुल रिस्पांसिबिलिटी आई वुड लाइक टू सबमिट इन फ्रंट ऑफ हाउस थ्रू यू सर देयर इज नो एविडेंस ऑफ पेपर लीक इन लास्ट 7 इयर्स एंड एनी नंबर्स सर देयर आर इंसिडेंट्स Already this case, right now, Speaker sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. All the things has come out. Every question has put in front of Supreme Court, Honorable CJ. तबे इठारे प्रश्न उठुची शिक्षा मंत्री को दाबीरे विपक्ष काहें की मानु नहंती काहें के देशरे विभिन्न समय रे प्रश्न पत्र लीक कु नै छात्र टीए रास्ता रे न्याय मागुची खास करी सही परीक्षा जहाँ केंद्र सरकार को द्वारा परिचालित होउची यार जवाब सीधा सड़ख न आसी पारे किंतु आपण कहंतु कौन सतरे कौनसी प्रश्नपत्र लीक होइ नथिला शिक्षा मंत्री जहाँ कहउचंती पूरा सत ब्यूरो रिपोर्ट दिनांक टीवी